हेलो फ्रेंड्स, कल एक बार फिर संसद में सहारा के मुद्दे को काफ़ी प्रमुखता से उठाया गया। कल राज्यसभा में दो सांसदों ने सहारा के मुद्दे को उठाया और सहकारिता मंत्री से सहारा के निवेशकों के भुगतान के संबंध में सवाल किए। दोस्तों, जो दो राज्यसभा के सदस्य हैं वो एक हैं सीमा द्विवेदी और दूसरी हैं सुशील कुमार मोदी। इन दो राज्यसभा के सदस्यों ने सहकारिता मंत्री से सहारा के भुगतान को लेकर कुछ सवाल किए, जिसका जवाब सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने दिया। आज देश के प्रमुख समाचार पत्रों में उन्हीं मंत्री महोदय के जवाब को लेकर समाचार प्रकाशित की गई है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर वो कौन से सवाल थे जिन्हें दो सांसदों ने पूछा और जिसका जवाब सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने दिया। इस सवाल जवाब से सहारा के भुगतान को लेकर काफ़ी बातों का खुलासा हुआ। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आने वाले समय में सहारा के भुगतान को लेकर केंद्र सरकार क्या करने जा रही है और केंद्र सरकार की क्या नीतियां हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राज्यसभा सदस्य सीमा द्विवेदी ने क्या सवाल किया। सीमा द्विवेदी ने सहकारिता मंत्री से पूछा कि बहुत सी सरकारी बैंक मृत प्राय हो चुके हैं, क्या सरकार द्वारा उस पैसे को वापस लाने के लिए कोई विचार किया जाएगा या कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। सांसद महोदया के द्वारा यह पूछा गया कि बहुत सारे जो सरकारी बैंक या सहकारी संस्थाएं हैं जो डेड हो चुकी हैं या फिर मृत प्राय हो चुकी हैं, उसमें जो पैसे फंसे हुए हैं उसको वापस लाने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाने जा रही है और क्या ठोस कदम सरकार के द्वारा उठाया जा रहा। इसके जवाब में जो सरकार ने कहा कि 2013 से जो पैसा डूबा हुआ था उसका पेमेंट पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। लगभग 3 करोड़ निवेशकों को रिफंड के लिए आवेदन किया, लगभग 3 करोड़, जैसा कि सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बताया कि लगभग 3 करोड़ लोगों ने रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए आवेदन किया है, जिसमें उन्होंने जो 3 करोड़ लोगों ने 80,000 करोड़ रुपए रिफंड का दावा किया है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि अभी तक कितने लोगों का भुगतान किया गया है और कितने लोगों का भुगतान होने वाला है, इसके बारे में उन्होंने कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी। मैं आपको स्क्रीन पर चलाता हूं, देखिए आज के अखबार में जो निकला है उसमें दिया गया है कि सहारा के निवेशकों का पैसा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सरकार ने राज्यसभा में कहा कि सहारा समूह के 3 करोड़ निवेशकों ने कंपनी के सहकारी समितियों में फंसे 80,000 करोड़ रुपये वापस लेने की मांग की है। सहारा समूह से अधिक धनराशि पाने के लिए सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने जानकारी दी। तो दोस्तों, यह जो खबर है, ये दूसरी जो सुशील कुमार मोदी जो दूसरे सांसद है, बीजेपी के सांसद है, उन्होंने जो सवाल किया था उसके जवाब में सहकारिता राज्य मंत्री ने जवाब दिया। सुशील कुमार मोदी ने सवाल किया था कि अभी तक कुल कितने लोगों ने आवेदन किया है, कितना भुगतान किया गया है और 5,000 करोड़ के बाद भी क्या भुगतान करने पर सरकार विचार कर रही है। तो दोस्तों, इसका जवाब देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि 5,000 करोड़ के भुगतान के बाद हम फिर कोर्ट जाएंगे और दोबारा पैसा मांगेंगे। अर्थात उन्होंने कहा कि अगर सरकार पोर्टल के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर रही है और अगर इस और 80,000 करोड़ का दावा लोगों ने किया है, 80,000 करोड़ के सामने 5,000 करोड़ बहुत कम है, अगर 5,000 करोड़ रुपए के भुगतान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो हम लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और निवेशकों को पैसा का रिफंड करने का एक आवेदन सुप्रीम कोर्ट में देंगे, तो यह प्रक्रिया अभी चलती रहेगी, ऐसा सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया। हालांकि उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि कुल कितने लोगों का भुगतान किया गया है, इस सवाल को वो सहकारिता राज्य मंत्री गोल कर गए। इसमें इस बात से स्पष्ट होता है कि अभी पोर्टल का जो स्टेटस है अभी क्लियर नहीं है, सरकार के पास भी आंकड़ा अभी नहीं है स्पष्ट रूप से कि कितने लोगों का भुगतान किया गया है और कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है। हालाँकि उन्होंने कहा कि 3 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है पोर्टल पर और उनका जो दावा का अमाउंट है वो 80,000 करोड़ रुपया है। इसके लिए उन्होंने बोला कि
5,000 करोड़ रुपये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भुगतान के लिए जारी किया गया है, अगर ये 5,000 करोड़ रुपये का पेमेंट हो जाएगा तो उसके बाद पुनः सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सरकार सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करके और पैसे की मांग करेगी भुगतान के लिए। तो सरकार के इस दावे के बाद या वादे के बाद यह अब निश्चित हो गया है कि 5,000 करोड़ के बाद भी सरकार भुगतान की प्रक्रिया को जारी रखेगी। ऐसे में 5,000 करोड़ रुपए जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस 29 तारीख को ख़त्म होने वाले हैं, जो 9 महीने की तारीख थी वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसे में यह उम्मीद की जानी चाहिए कि 9 महीने की तारीख के बाद भी सरकार पोर्टल के माध्यम से भुगतान जारी रखेगी और इस 5,000 करोड़ के बाद भी सरकार निवेशकों के पैसे को रिफंड करेगी। तो ऐसे में जो निवेशक या जमाकर्ता अभी तक पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए अप्लाई नहीं किए हैं, जब सरकार ने अब कह दिया है कि इस 5,000 करोड़ के बाद भी भुगतान इसी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, तब ऐसे में उन्हें अब पोर्टल पर अपना दावा कर देना चाहिए। हालांकि कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, अब नहीं कर रहे हैं तो मैं नहीं कह सकता कि क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो संसद में भी सरकार ने यह स्टेटमेंट दे दिया है कि सरकार 5,000 करोड़ के बाद भी भुगतान करेगी और इसके लिए वह सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो ऐसे में जिन निवेशकों ने अभी तक पोर्टल पर अपना क्लेम नहीं किया है, उन्हें क्लेम कर देना चाहिए, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि उनका भुगतान मिले, और अगर वो क्लेम ही नहीं करेंगे तो भुगतान कहाँ से होगा। फिलहाल तो यही स्थिति है कि पेमेंट सिर्फ पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। तो दोस्तों, यह था आज का अपडेट, जो कि राज्यसभा में सांसदों के द्वारा पूछा गया सवाल था, जिसका जवाब केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने दिया। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई यह सूचना आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर पूछ बताएंगे। साथ ही इससे संबंधित कोई अन्य सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ